हाय एवरीवन, दिस इज़ भावना शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल पत्रोकला। आज की मेरी इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जिसमें टॉपिक था पॉलीगन आर्ट एंड सिमेट्री। इस प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए हमें 2 से 3 शीट्स ही यूज़ करनी थी, इसलिए मैंने एक फोल्डर बनाया है जो कि A3 साइज़ की शीट को यूज़ करके बनाया है। अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है, इसमें एक पॉकेट बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने ये 3 शीट्स रखी हैं। तो इसमें सिमेट्री की 2 शीट्स हैं, जिसमें मैंने प्रिंट आउट सी लगाए हैं, और नेक्स्ट जो है पॉलीगन आर्ट की शीट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया है। तो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम A3 साइज़ की शीट को एक ग्रीटिंग फोल्ड देंगे। ग्रीटिंग फोल्ड से मेरा मतलब है उसे हाफ फोल्ड देंगे बराबर इक्वली। उसी तरीके से हम एक रेड शीट को भी हाफ फोल्ड करें। इसका साइज़ A4 था। मैं साइड से इसको स्लिट कर रही हूँ थोड़ा सा, ताकि मेरे को पेपर इंसर्ट करने में थोड़ा इजी हो। अब मैं यहाँ पे पेपर कटर को उल्टा यूज़ करके स्केल की हेल्प से हाफ कर दूंगी, जिस तरीके से मैं दे रही हूँ। इसे क्रीज लाइन बहुत अच्छी क्रिएट होती है। दोनों साइड की क्रीज के क्रॉस पे एक स्क्वायर शेप आपको दिख रहा होगा, इसको आपको सीजर की हेल्प से कट करना है। तो हमारी ये फोल्डर पॉकेट रेडी हो चुकी है। अब हम फोल्डर पॉकेट को अपने फोल्डर के अंदर अटैच करेंगे। फोल्डर पॉकेट को अटैच करने के लिए नीचे दी हुई क्रीज लाइन जो है पॉकेट के अंदर, उसके ऊपर फेविकॉल लगाना है। अब हमने फोल्डर के अंदर जो बीच में क्रीज लाइन है उससे मैच करते हुए, प्लस नीचे से मैच करते हुए, उस फोल्डर शीट को या फोल्डर पॉकेट को अटैच करना है। अब हमारा फोल्डर अंदर से रेडी हो चुका है। अब हम अपने फोल्डर को बाहर से डेकोरेट या डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। हमारा फोल्डर तभी भी जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसी तरीके से डिज़ाइन होता है जिस तरीके का अंदर टॉपिक होता है। जैसे कि इससे पहले मैंने, आपने याद होगा कि 2 से 3 टॉपिक ऑलरेडी मैं फोल्डर्स के ऊपर बना चुकी हूँ। आपको स्क्रीन पर उनकी पिक्चर्स भी दिख रही होंगी। पहला फोल्डर मैंने साइंस, फाइबर, सीरियल एंड स्पाइसेस का बनाया है। दूसरा फोल्डर आपको कंज्यूमर राइट का दिख रहा होगा। आप इसे कंज्यूमर अवेयरनेस के नाम पर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट को अपने थीम के, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आउटलाइन की है। मेरा सब्जेक्ट था मैथ्स का, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैथमेटिक्स लिख रही हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर से शीट की आउटलाइन की है, या फोल्डर भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद मैं डार्क ब्राउन कलर से मैथमेटिक्स लिख रही हूँ। इसकी शेडो लाइंस मैं मस्टर्ड ब्राउन से बनाने वाली हूँ, ताकि थोड़ा 3D इफेक्ट क्रिएट हो। अगर आप किसी और फॉन्ट में भी मैथमेटिक्स लिखना चाहते हैं तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। सबसे ऊपर जो हेडिंग है वो मेरे सब्जेक्ट की है। जो सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स हैं वो सिमेट्री एंड पॉलीगन आर्ट है। यहाँ पे मैं लाइट ब्लू कलर से सिमेट्री एंड पॉलीगन आर्ट लिख रही हूँ। यहाँ पे मैं अब ब्लैक कलर के फाइबर पेन से इसकी आउटलाइन करूँगी। मैंने मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा छोटा लिखा है, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं सब टॉपिक है, तो इसलिए मैंने इसको छोटा लिखा है। और क्योंकि छोटा होने की वजह से मैं 2 मार्कर पेन्स यूज़ करके या 2 स्केच पेन यूज़ करके आउटलाइन नहीं कर सकती, इसलिए मैं यहाँ पे फाइबर पेन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी और फॉन्ट और स्टाइल या कलर कॉम्बिनेशन में भी सेम चीज़ें लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी शीट को क्लीन कर रही हूँ, ताकि ये थोड़ी नीट एंड क्लीन लगे। यहाँ पे मैंने एक बटरफ्लाई का प्रिंट लिया है जो पॉलीगन आर्ट को शो करता है, और उसको कलर किया है। ये पॉलीगन होने के साथ साथ सिमेट्री को भी शो करता है, क्योंकि ये दोनों साइड से सिमिलर है। सिमेट्री दोनों साइड से एक चीज़ को बैलेंस दिखाती है, इसलिए मैंने इस बटरफ्लाई का यूज़ किया जो मेरे दोनों टॉपिक के पर्पज़ को सॉल्व कर रहा है। अब नीचे बचे हुए स्पेस को भी मैं फिल करने के लिए यहाँ पे हॉलीडे होमवर्क लिखूँगी, और उसके साथ साथ दूसरी लाइन में यहाँ पे मैं 2022 एंड 2023 मेंशन करूँगी, ताकि ये क्लियर हो कि ये हॉलीडे होमवर्क है और कौन से सेशन का है, उस बात का भी क्लेरिफिकेशन हो जाए। आप चाहें तो इस स्पेस को कुछ और लिखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये स्कूल का प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने कौन से ईयर का सबमिशन है ये मेंशन किया है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ मैं फोल्डर के अंदर की प्रोजेक्ट शीट्स को आउटलाइन कर रही हूँ। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप भी उसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट थोड़ा सा कम करना है तो आप मोटी आउटलाइंस का भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने कवर पेज के ऊपर की हुई है। अब मैं यहाँ पर पेपर स्ट्रिप लेकर उसके ऊपर सिमेट्री लिख रही हूँ। ये हेडिंग मेरी हो गई है, इसको फेविकॉल के हेल्प से पेस्ट कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके की पेपर कटिंग्स का हेडिंग लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
अब मैं अपने प्रोजेक्ट का प्रिंट आउट यहाँ पे पेपर कटर की हेल्प से कट कर रही हूँ। जिस शीट के ऊपर मैंने सिमेट्री लिखा है वो बाकी और प्रोजेक्ट्स में बची हुई वेस्ट शीट का पार्ट है। आप इस तरीके की शीट्स को सेव करके रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो इस तरीके की कटिंग्स का आप वहाँ पर यूज़ कर सकें। मेरे इस प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाले सारे मटेरियल का लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज सेम प्रोडक्ट आप नियरेस्ट अपनी स्टेशनरी से भी परचेज कर सकते हैं। ये पिक्चर्स मैंने ऑरेंज वाली शीट पर आगे पीछे करके लगा दी थी, जो कि मुझे अलग अलग दो शीट्स पर लगानी थी, इसलिए मैंने दो ब्लू और ग्रीन कलर की शीट अलग अलग लेकर उनकी आउटलाइन करके इनके ऊपर वापस से अपनी हेडिंग और पिक्चर्स को पेस्ट किया है। अब मैं अपने प्रोजेक्ट के दूसरे टॉपिक पॉलीगन आर्ट को कवर करूंगी। सबसे पहले मैं एक ऑरेंज कलर की शीट लेके उसको आउटलाइन कर रही हूँ। यहाँ पर मैं हेडिंग यूज़ करने के लिए एक ऑरेंज कलर की पतली स्ट्रिप का यूज़ कर रही हूँ। इस पर मैं पॉलीगन आर्ट लिखूंगी। पॉलीगन आर्ट बनाने के लिए मैंने जो कवर पेज के ऊपर बटरफ्लाई यूज़ की थी उसी के शेप्स की कटिंग मैंने यहाँ पे की है, अलग अलग डिफरेंट पेपर की। ये भी मेरे छोटे छोटे वेस्ट का पार्ट है। आप चाहें तो इस तरीके की कटिंग वेस्ट को हमेशा संभाल कर रखें क्योंकि ये कभी भी आपके प्रोजेक्ट्स बनाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। जिस तरीके से मैं प्रिंट आउट शीट की हेल्प से अपने शीट्स को कट कर रही हूँ या अपने शेप्स को कट कर रही हूँ, उस तरीके से आप भी करें। अगर आपको लगता है आपकी थोड़ी बहुत शेप्स गड़बड़ हुई हैं तो आप इस तरीके से जैसे मैंने ब्लैक कलर की आउटलाइन का यूज़ किया है, आप उसी ब्लैक कलर की आउटलाइंस का यूज़ करके अपनी शीट या अपनी कटिंग्स को बैलेंस कर सकते हैं। अब मेरा ये प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से दिख रहा है। इसका कवर पेज से लेके शीट किस तरीके से मैंने फाइल के अंदर रखी हुई है और शीट को किस तरीके से बनाया है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। मैथ्स का ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर्स की वीडियो क्लिप्स आपको दिखाने वाली हूँ जो कि उन्होंने मेरी वीडियो से इंस्पायर होकर बनाई है। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये कंज्यूमर राइट के ऊपर प्रोजेक्ट फाइल बनाई हुई है। इसे बनाया है विवेका शेखावत ने। ये काफ़ी अच्छी राइटिंग के साथ और बहुत ही सुंदर क्यूट से अट्रैक्टिव से बॉर्डर्स का यूज़ करके बनाया है। ये प्रोजेक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो हिंदी की प्रोजेक्ट फाइल है। इसे भी विवेका शेखावत ने बनाया है। ये भी बहुत सिंपल और बेसिक काफ़ी अच्छे से बॉर्डर्स का यूज़ करके बनाया है। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप चाहें तो अपने स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट्स को मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। मैं आने वाली यूट्यूब वीडियोस में उनको ज़रूर शेयर करूँगी। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक लद्दाख के ऊपर ट्रैवल ब्रोशर है और इसे बनाया है अश्मिता सिंह ने। वीडियो के साइड में आपको स्क्रीन पर एक कवर पेज डिज़ाइन दिख रहा होगा लद्दाख के ऊपर। ये कवर पेज मैंने अश्मिता को डिज़ाइन करके दिया था ताकि वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर एक ट्रैवल ब्रोशर है। जिसने भी इस प्रोजेक्ट को बनाया है उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया है। इसकी वजह से मैं उन्हें इंस्टाग्राम पर नहीं ढूंढ पाई और इसी वजह से मैं उनका नाम आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। पर जिसने भी ये प्रोजेक्ट बनाया है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और मेरे को बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको भी ये पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो अपने स्कूल और कॉलेजेस के प्रोजेक्ट जो कि मेरे से इंस्पिरेशन लेके बने हों या आपके खुद के आइडियाज़ भी हों वो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं आने वाली रिलेटेड वीडियोज़ में आपके उन पिक्चर्स और वीडियो को ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है मेरा ये प्रोजेक्ट आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करने लायक है तो प्लीज़ उनके साथ ये शेयर कीजिए। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनवानी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर मेरे साथ डिस्कशन करना है और आप चाहते हैं कि उसके आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर भी यूज़र नेम दिख रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।